तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी कंधे की चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। वे अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल सकेंगे। बांग्लादेश में 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को होना है। शमी चोट की वजह से फिट नहीं है। शमी ऑस्ट्रेलिया में पिछले महीने 2020 वर्ल्ड कप से लौटने के बाद प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए थे। वनडे के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है। शमी टेस्ट टीम का भी हिस्सा थे। इस चोट के बाद वे टेस्ट खेल सकेंगे या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वे पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। शमी के चोटिल होने से टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले ही चोट की वजह से भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सीरीज से बाहर हैं। वो चोट की वजह से 2020 वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा नहीं थे। वहीं चोट की वजह से ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी वनडे सीरीज से बाहर हैं। शमी के बाहर होने के बाद उमरान मलिक को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। उमरान ने हाल ही में न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। 3 वनडे मैचों में उनके नाम 3 विकेट हैं। मोहम्मद शमी के टेस्ट सीरीज से बाहर होने पर मुकेश कुमार और नवदीप सैनी को मौका मिल सकता है। नवदीप सैनी और मुकेश कुमार अभी बांग्लादेश में ही हैं। वो बांग्लादेश दौरे पर गई टीम इंडिया ए के सदस्य हैं। दोनों ने बांग्लादेश की ए टीम के खिलाफ 4 दिवसीय मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। मुकेश ने 3 विकेट लिए हैं, वहीं नवदीप सैनी ने 4 विकेट लिए हैं। मुकेश अनकैप्ड खिलाड़ी हैं और सैनी भारत के लिए 2 टेस्ट खेल चुके हैं। वहीं 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम के हिस्सा थे। मोहम्मद शमी ने 60 टेस्ट मैचों में भारत के लिए 216 विकेट लिए हैं, जबकि 82 वनडे मैचों में 151 विकेट लिए हैं। वहीं 23-20 मैचों में 24 विकेट मिले हैं।